हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्पेशल गुरुजी जीएम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल में नए नए व्यूअर्स हैं तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मेरे और भी वीडियो का लाभ आप तक मिल सके। फ्रेंड्स, आइए मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी गुड न्यूज़ देने जा रही हूँ। देखिए, यूपी टीजीटी पीजीटी रिजल्ट 2021, यूपीएसई एसएसबी टीजीटी पीजीटी रिजल्ट, ये देखिए फ्रेंड्स, ये रिजल्ट जारी होने वाला है। ये देखिए, यूपी टीजीटी पीजीटी रिजल्ट 2021 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट में जारी किया जाएगा। राज्य के जो अभ्यर्थी वर्ष 2021 की यूपीएसई एसएसबी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में शामिल हुए थे, वह यूपीएसई एसएसबी की वेबसाइट वेबसाइट इतना इतना पर upsessb.org के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी के 12,603 पद और प्रवक्ता पीजीटी के 2,595 पदों पर भर्ती बोर्ड के द्वारा जारी की गई थी। upseessb.org की वेबसाइट से अभ्यर्थी अपना रिजल्ट ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। रिजल्ट की जांच करने के लिए अभ्यर्थियों के पास अपना पंजीकरण नंबर और पासवर्ड होना अनिवार्य है। इसकी सहायता से ही उम्मीदवार अपना रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बिना पंजीकरण नंबर और पासवर्ड के रिजल्ट देख पाना मुश्किल है, नहीं देख पाएंगे आप। ये देखिए, संस्था का नाम यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, पोस्ट नाम टीजीटी पीजीटी, कुल पद 15,508, रिक्त पद टीजीटी के लिए 12,603 और पीजीटी के लिए 2,595 पद, वर्ग सरकार के परिणाम, परीक्षा की तारीख 17 और 18 अगस्त 2021 है। रिजल्ट जारी करने की तारीख जल्द ही जारी होगा। फ्रेंड्स, रिजल्ट आपका जल्द ही जारी होगा। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा साक्षात्कार के आधार पर होगा। ये देखिए, नौकरी करने का स्थान उत्तर प्रदेश, इससे बाहर आप नहीं जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट फ्रेंड्स ये है, देखिए upseessb.org पे आइए। फ्रेंड्स, और आपको बताते हैं upseessb टीजीटी पीजीटी रिजल्ट मेरिट लिस्ट। ये देखिए, upseessb टीजीटी पीजीटी लिखित परीक्षा में उच्चतम अंक, सबसे उच्चतम अंक जिसको मिलेगा, प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा मेरिट लिस्ट जारी की गई है। जो सबसे उच्चतम अंक होगा उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट को वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट में अभ्यर्थी का नाम और रोल नंबर आदि का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। अपने नाम और रोल नंबर की सहायता से अपना मेरिट लिस्ट में अपना नाम ढूंढ सकते हैं। ये नाम, रोल नंबर और रोल नंबर के आधार पर अपना मेरिट लिस्ट में अपना नाम ढूंढ सकते हैं। ये देखिए, कट ऑफ मेरिट कितना जाएगा। यूपी टीजीटी पीजीटी रिजल्ट कट ऑफ मार्क्स 2021 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से upseessb टीजीटी पीजीटी कट ऑफ मार्क्स 2021 जारी किए जाएंगे। परीक्षार्थियों के द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त न्यूनतम योग्यता अंकों की कट ऑफ को श्रेणी के आधार पर जारी किया जाएगा। न्यूनतम अंक के बाद जितना हाईएस्ट मेरिट जाएगी उसके आधार पर एससी एसटी ओबीसी और अपनी श्रेणी के आधार पर टीजीटी पीजीटी कट ऑफ मार्क्स 2021 की लिस्ट को ऑनलाइन देख सकते हैं। कट ऑफ मार्क्स 2021 लिस्ट को आप upseessb.org की आधिकारिक वेबसाइट से सरलता से देख सकते हैं आप।
ये देखिए फ्रेंड्स, यूपीएससी, एसएसबी, टीजीटी, पीजीटी चयन प्रक्रिया क्या होगी, मेरिट लिस्ट और साक्षात्कार इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इंटरव्यू होगा टीजीटी में नहीं होगा, ये पीजीटी में होगा। टीजीटी का रिजल्ट 500 के अंक के आधार पर आएगा और पीजीटी का 425 रहेगा। ये देखें, मेरिट लिस्ट और साक्षात्कार इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों के द्वारा लिखित परीक्षा में उच्चतम अंक हासिल किए जाएंगे उनका नाम चयन प्रक्रिया की वेबसाइट में इंटरव्यू लिस्ट में जारी किया जाएगा। सबसे हाईएस्ट अंक के बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इंटरव्यू लिस्ट में नाम जारी होने के पश्चात ही उम्मीदवार इंटरव्यू की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकता है। बहुत जल्द वेबसाइट में इंटरव्यू के लिए उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी उम्मीदवारों के लिए लिस्ट जारी की जाएगी। फ्रेंड्स, इसमें टीजीटी नहीं बल्कि पीजीटी है। साक्षात्कार में बोर्ड प्रवक्ता पद के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों और विशेष योग्यता हेतु अंकों के आधार पर सूची तैयार की जाएगी। फ्रेंड्स, ये देखिए कितना कितना अंक और परसेंटेज है। लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक आपको दिए जाएंगे और साक्षात्कार का आधार 10% अंक दिए जाएंगे जो निम्नलिखित रूप से विभाजित किए जाएंगे। ये देखिए इसको कितने उसमें विभाजित किया गया है। देखिए, सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% अंक, व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3% अंक, अभिव्यक्ति के योग्यता के आधार पर 3%। ये देखिए 4, 3, 7, 3 10% अंक इस पे हो गया। 85 के बाद ये 10% कितना हो गया, 95। अब इसके बाद 5% अंक बचता है। ये देखिए 5% विशेष योग्यता के आधार पर 5% अंक दिए। डायरेक्ट डॉक्टरेट की उपाधि रखने वाले उम्मीदवार को 2% अंक, शिक्षा के क्षेत्र में मास्टर की उपाधि रखने वाले एमएड के लिए 2% अंक, फिर उसके बाद स्नातक शिक्षा बीएड की उपाधि रखने वालों को 1% अंक, राज्य स्तर की टीम के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के खेल में भाग लेने वाले जो जिसका राष्ट्रीय स्तर का खेल का प्रमाण पत्र होगा उसके आधार पर जो है उसको 1% अंक दिए जाएंगे। ये देखिए यूपी टीजीटी पीजीटी रिजल्ट 2021 से संबंधित सवाल और उनके जवाब। उत्तर प्रदेश टीजीटी के रिक्त पदों की संख्या कितनी है, आइए बताते हैं। अभी उत्तर प्रदेश टीजीटी के लिए रिक्त पदों की संख्या 12,603 है। यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा टीजीटी पीजीटी के लिए कितनी वैकेंसी जारी की गई थी, पूरी वैकेंसी देखिए टीजीटी पीजीटी की कितनी है। टीजीटी पीजीटी के लिए यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा 15,198 वैकेंसी जारी की गई थी। यूपीएससी एसएसबी टीजीटी पीजीटी रिजल्ट देखने की आधिकारिक वेबसाइट आप सभी लोग जानते हैं क्या है, यूपीएससी एसएसबी टीजीटी पीजीटी रिजल्ट की आधिकारिक वेबसाइट upsessb.org है। इस वेबसाइट का लिंक जो है ये उपलब्ध है, इस पे आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो समाप्त होता है, नेक्स्ट वीडियो के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड इवनिंग, टेक केयर।